Hello everyone, welcome back to my channel Far Art. There's nothing to shy about Far Art. It's all about fashion and art. Here I am back with another exciting video which is going to be about theme based gifting ideas or gift hampers. So chalo, let's get started. सो पहले मैंने एक बॉक्स लिया है ब्लैक कलर का, जिसके ऊपर मैंने मून स्पंज और एक्रेलिक कलर की यूज़ से पेंट किया है, और स्टार्स जो है वो मैंने स्प्रिंकलिंग टेक्निक की यूज़ से पेंट किए हैं, वो मैंने थ्रू आउट द बॉक्स पेंट किए हैं। तो सबसे पहले मैंने इस बॉक्स के ऊपर के साइड में, मतलब ओपन होते ही, एक सरप्राइज क्यूट सा सरप्राइज एलिमेंट रखा है, जो कि हम दोनों की फेवरेट पिक्चर्स है टुगेदर। और इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल कलर प्रिंट आउट, कोई ग्लॉसी प्रिंट की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट गिफ्ट इज़ दिस ब्यूटिफुल मून फेस बुक मार्क। मेरी दोस्त बहुत पढ़ाकू है, तो उसके लिए मुझे बुक मार्क बनाना था, और इसके ऊपर भी मैंने सेम स्प्रिंकलिंग टेक्निक यूज़ की है और टैसल्स अटैच की है टू एड अ कलरफुल एलिमेंट। और इसको मैंने लैमिनेट करवाया है ताकि ये कभी ख़राब ही नहीं हो और उसके पास ये फॉरएवर रहे। मैंने बुक मार्क के लिए वाटर कलर शीट यूज़ की है। और नेक्स्ट इज़ दिस क्यूट लिटिल डायरी। एज ए सेड, पढ़ाकू लड़की है इसलिए नोट्स या छोटी मोटी चीज़ें लिखने के लिए आई गिफ्टेड हर दिस डायरी। उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे स्टार और मून गोल्डन कलर एक्रेलिक से बनाए हैं। दिस इज़ अ कैनवास पेंटिंग ऑफ अगेन अ मून फॉर अ स्टडी टेबल। शी इज़ वेरी सिंपल और उसे बहुत मिनिमल चीज़ें पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि आई मेक इयर रिंग्स फॉर हर, जो बहुत मिनिमल हो और थोड़ी फैंसी भी लगे। इसलिए मैंने उसके लिए क्ले की मून इयर रिंग्स बनाई हैं, जो कि मैंने इस बॉक्स में रखी है। दिस बॉक्स इज़ मे बी ऑफ अनदर सोने का इयर रिंग्स, आई डोंट नो। और इसको भी मैंने सेम थीम में पेंट किया है। और इसके लिए मैंने जो क्ले यूज़ किया है, इट्स अ हार्डनिंग क्ले विच इज़ सुपर ईजी टू यूज़ और 150 रुपीज़ में आ जाता है और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। इट्स वेरी नाइस और इट्स अनब्रेकेबल, मतलब एक बार बना दो टूटेगा ही नहीं, इट्स वेरी परफेक्ट। और नेक्स्ट इज़ दिस कलर पैलेट। लेट मी टेल यू, पढ़ाकू है ये लड़की बट आर्टिस्ट भी है, तो दिस कलर पैलेट फॉर हर, जो कि मैंने ही फ़ोटोशूट के लिए यूज़ करके गंदा कर दिया है। और इसके लिए भी मैंने ग्लॉस यूज़ किया है टू गिव शाइन और गोल्डन कलर टू गिव द बॉर्डर, गोल्डन कलर पाउडर ऑफ एक्रेलिक। और जिस स्मॉल पॉट अगेन फॉर हर स्टडी टेबल, इसको मैंने पूरा क्ले से बनाया है, मैंने कोई फेक प्लांट प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया। एंड या इट इज़ वेरी क्यूट, मुझे खुद को बहुत इतना पसंद आया, ऐसा लगा मुझे ही रख लूँ, पर नहीं यार, बेस्ट फ्रेंड है, दे दिया मैंने उसे, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है ये ग्रीटिंग कार्ड, जो कि बहुत मैसी है, मुझे पता है, ये लास्ट मूवमेंट था इसलिए मुझे वो मैसी हो गया यार मुझसे। तो इसके अंदर मैं क्यूट सा एक उसके लिए कॉम्पोजिशन बोल सकते हो लिख दिया, बात मतलब नहीं क्या, जो मन में आया बस लिख दिया मैंने। छोटू सी चीज़, ये चीज़ है ब्रश होल्डर, जो पेंटिंग करने के बाद हम ऐसे इस पे ब्रश रख सकते हैं ताकि मेस क्रिएट ना हो आजू बाजू। ये बहुत ही क्यूट चीज़ है, मुझे मेरी फेवरेट चीज़ है ये। और चलो नेक्स्ट इज़ दिस कैनवास बैग। ये छोटू सी कैनवास बैग है, बहुत छोटू सी है, उसको कुछ भी रखने के लिए। और ये स्क्रंचीज, वो मेरी लेट मी टेल यू, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है स्क्रंचीज़ का, मैंने कभी इससे पहले बनाई नहीं थी और वो उसके लिए मुझे बनाना था, तो मैंने ये बनाई। और इसको मैंने, ये फैब्रिक को मैंने खुद पेंट किया है, द स्टार्स मून्स एंड ये जो स्प्रिंकलिंग थोड़ा नहीं गैलेक्सी इफेक्ट, ये मैंने खुद किया है, और थोड़ा सा रफल शफल एलिमेंट डाला है उसमें। और नेक्स्ट है ये कीचेन, क्या है क्या पता नहीं, कुछ तो है, ये तो पूरा स्क्रैप से ही बना है, मतलब जो चीज़ें मैंने रखी हुई थी संभाल संभाल के, जो भी ईयरिंग हो, क्लिप हो, जो भी हो, मैंने सब इसमें ऐड कर दिया और ये बना दिया मैंने। ये अच्छा ही लगता है मुझे, फेवरेट नहीं पर अच्छा लगता है, बस वो थोड़ा एंड में कोट लिखते टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया, वुड की वजह से ब्राउन कलर आ गया, एंड थोड़ा सा कचरा डाल दो टू गिव अ एस्थेटिक इफेक्ट, एस्थेटिक एलिमेंट ऐड करना होता है ना, तो कचरा डाल दो। चलो जब तक ये एस्थेटिक वीडियो प्ले हो रहा है, मैं बता देती हूँ और कौन से थीम आप यूज़ कर सकते हो। आप BTS थीम ले सकते हो, कोई फ्रेंड अगर कार्टून पसंद करता है तो यू कैन यूज़ कार्टून थीम। देन यू कैन ऑल्सो यूज़ फ्लोरल थीम, आप
कोई मेकअप आर्टिस्ट वगैरह है तो मेकअप थीम भी ले सकते हो, लिपस्टिक विपस्टिक ड्रॉ करके ऐसा कुछ, यू नो. मैंने मून लिया क्योंकि माई फ्रेंड इज़ ऑब्सेस्ड विथ मून, मतलब वो चांद से शादी भी कर लेगी, इतनी वो ऑब्सेस्ड है. तो ऐसे ही आप आपकी फ्रेंड की चॉइस और पसंद देखो और देन डिसाइड अ थीम. तब तक आई प्ले अ वीडियो ऑफ माई सरप्राइज. Got to tell you that आप कोई भी क्लोदिंग एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हो. जैसे ये टी शर्ट जो मैंने ऐड करा था, बस मेक श्योर इट गोज वेरी वेल विथ योर थीम. और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है, आपके पास कोई सजेशन है, कोई आइडिया है आप चाहते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल मेक श्योर कि मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बना दूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा ही हो जाएगा, तो कर दो सब्सक्राइब.